Hey guys, once again, welcome back to my channel. I hope आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अभी मेरा 8 month जो है स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं जा रही थी वैक्सीन लेने के लिए. तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अभी जो है आप जानते हैं ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो रहा है. तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि मैं किकोस्का करके वैक्सीन है उसको लगवाऊं. आई डोंट नो स्वीडिश में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं नहीं, बट जितना मैंने डॉक्टर के मुंह से सुना है कुछ ऐसा ही है किकोस्का वैक्सीन. तो ये जो वैक्सीन है वूपिंग कफ और डिफ्थेरिया टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ को, इसलिए लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मम्मी भी मेरे साथ चल रही हैं, उनको भी मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे ब्रोमा प्लान हम लोग जा रहे हैं, उनको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे मार्केट्स वगैरह होते हैं और आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे साथ. मम्मी को ये रोज़ का जो प्लांट है बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कली, और मम्मी यही सोच रही है जब ये सारे खिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना. मम्मी टमाटर का पेड़ कलम करके लगाया गया है. क्या करके? कलम काट के लगता है कलम. अच्छा, सो मम्मी का एक तो फूल पसंद है, ऊपर से बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे फूल ही फूल है ना. मम्मी आइए अंदर दिखाती हूँ आपको. मम्मी लगाने के लिए है. ये मम्मी असली की नकली है? नहीं, नकली है, चेरी का प्लांट है. नहीं, असली है. अच्छा, और वो जो नीचे है बेरीज जैसा, ये भी असली. अच्छा, बाप रे, यकीन ही नहीं हो रहा हमारे यहाँ के सामने. तो जो वीडियो में देखेगा उनको तो लगेगा नकली है. नहीं, असली. को कलर गया क्या? नीला कलर है. नहीं, उसके अंदर देखिए ना, शेड नहीं है. ऐसा लग रहा स्प्रे करे क्या? शेडेड है, शेडेड है. मम्मी ये देखिए ना, ये वाले फ्लावर्स सारे पिंक भी है, रेड है, येलो है. हाँ हाँ, मिक्स कर दी. आपको सबसे अच्छा फूल कौन सा लग रहा है मम्मी? मुझे तो सब अच्छा लग रहा है. वही तो. आइए मम्मी, ये मम्मी वहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेते. ये कह रहे थे ना स्ट्रॉबेरी अच्छे मिलते हैं. Hey son, hey son. Hey. Four? Yeah, two. That's okay. यही हम लोग खत्म कर रहे हैं वहाँ पे. Hey son, hey son. Smoker. Tension. तक समय के. सो सभी लोग जो है जब से मम्मी आई है फ़ोन करके पूछते हैं यहाँ पे अपनी सब्जी मिलती है कि नहीं, इंडियन ये लोग क्या खाते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं कि नहीं. तो आज हम लोग बाहर आए थे तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है. हाँ हाँ, नहीं मम्मी, ये दूसरा फ्रूट है. हाँ, एप्पल दिखा ना आपको. देखिए हर टाइप के एप्पल है. ये ग्रीन एप्पल है, लाइट ग्रीन एप्पल है, डार्क एप्पल है. मैं कह रही हूँ मम्मी आप जब से आई हैं सब लोग पूछते रहते हैं अरे सब्जी मिलती है कि नहीं, इंडियन मम्मी क्या खा रही हैं. तो मैं वही दिखा रही थी, यहाँ पे फ्रूट सब्जी सब मिलती है. आई वहाँ सब्जी दिखाते हैं सबको. आई जस्ट कम. ये है मशरूम और सारी सब्जियाँ है ना, बीन्स भी है. वो स्वीट पोटैटो देखिए मम्मी कितने बड़े, कितना केजी का होगा? ये तो बहुत है. और प्याज वगैरह सब है, हर टाइप की है, वाइट, रेड. ये मम्मी वो रेडिश मूली ने. हाँ मूली है. आलू भी है मम्मी नया वाला. यहाँ पे मम्मी डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड है, देखिए आपको कोई पसंद आ रहा है. पता हेल्दी होते हैं ये ब्रेड. अच्छा, अभी हम लोग आ गए रास्ता में. वो बताई थी कि यहाँ इंडियन शॉप है, सारे सामान मिलते हैं. मैं जाके देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं. वैसे तो हम लोग बोलते रहते हैं मम्मी को कि यहाँ सब कुछ मिलता है, बट फिर भी मम्मी छोटी छोटी चीज़ लेके ही आई हम लोग के लिए. तो आज मैं जाके दिखाती हूँ मम्मी को. मम्मी अब ये है पूरी इंडियन शॉप. यहाँ पे मम्मी सारे मसाले हैं. हाँ, राई ढूंढते हैं. ये देखिए तेज पत्ता, और ये देखिए मंगरेल है. ये नहीं, ये है क्या? ये मंगरेल है, ये पोस्ता दाना. हाँ,
पॉपी सीड, पर आप ये देखिए कि यहाँ सारे मसाले हैं। मिल तो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, तो वही तो आप ऊपर से नहीं नहीं कितना लोग फोन करके ही सारे रिलेटिव पूछ रहे हैं मम्मी नहीं कि मसाले मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे, फ्रोजन समोसे वगैरह। कोई पार्टी वगैरह होती है तो लोग यही लेके जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चाय पत्ती, ऊपर बाग बकरी है, रेड लेबल है, सब तो इंडिया की है। हाँ वही कह रही, सब मिल जाते हैं इसमें। ये गुड़ है सारे, मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो अपने यहाँ का ही पसंद है। यहाँ सब पूजा का सामान है, यहाँ सारे ऑयल भी है। मम्मी अगरबत्ती ले लीजिए, है ना मम्मी, सारा पूजा का सामान वगैरह। अच्छा, ऐसे घर में है गंगा जल, मम्मी का फिनलैंड से लेके आई थी, गंगा जी निकली है वहाँ का था, लेके आ रही थी मम्मी और फिनलैंड में निकाल लिया। ये रेडीमेड है मम्मी, पेठा वगैरह, ये बेसन की बर्फी है, बेसन का लड्डू है। रिमन बेचारा यही खाता है मम्मी। कौन सा? अरे यहीं से लेके जो भी है, तो घर में है, अभी आप लेके आई तो वही खा रहा है। हाँ, ये तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, सब कुछ मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, आटा, आशीर्वाद का आटा। देखिए मम्मी ये कौन कौन सा आटा है, आशीर्वाद है, उधर देखिए वो चक्की का भी आटा है, चक्की वाला, ये चक्की नहीं, आशीर्वाद वाला अच्छा है। अरे चक्की वाला थोड़ा मोटा होगा ना, ये भी चक्की आटा है। आप लोग ने एंजॉय किया होगा आज के इस ब्लॉग को। आज के वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया कि यहाँ पे कैसे वेजिटेबल मार्केट होते हैं, कि कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं, क्योंकि जब से मम्मी आई हैं सब लोग रिलेटिव्स फ़ोन करके पूछते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया में सब्जी मिलती है यहाँ पे मिलती है कि नहीं। तो मैंने सोचा अब हम लोग आए हैं लेने के लिए तो आप लोग को भी मैं दिखा देती हूँ। सो ये था पूरा वेजिटेबल मार्केट जहाँ पे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं हर एक स्टेशन पे, और इंडियन ग्रॉसरी भी देख ली, हमें सारे मसाले और हर एक चीज़ मिल जाती है। सो आई होप आप लोग को भी देख के अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज चे ब्लॉग।